प्रपोजिशन नंबर 12 बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है एट द बैक ऑफ, एट द बैक ऑफ। इसको हम बोल सकते हैं पीछे। ओके, इसके एग्जांपल लेते हैं। इसका यूज़ दो तरीके से हम करते हैं, बिहाइंड का यूज़ हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है इसका फिज़िकल, फिज़िकली अगर आपके पीछे कोई चीज़ है तो उसके लिए हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। और दूसरा है इसका कंडीशनल या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिचुएशनल। तो इसके दो यूज़ेस होते हैं, कोई भी चीज़ फिज़िकली पीछे हो या फिर कंडीशनल या फिर सिचुएशनल बेस पर कोई परिस्थिति या फिर स्थिति होती है उस सेंस में अगर पीछे की हम बात करते हैं तो वहाँ हम बिहाइंड का यूज़ करेंगे। इसके एग्जांपल लेते हैं। फिज़िकली अगर आपके पीछे कोई चीज़ है तो उसका एग्जांपल क्या होगा, लाइक ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और इसके पीछे एक और व्यक्ति है, ठीक है। तो इन व्यक्ति के पीछे ये जो हैं, ये हैं, तो ये व्यक्ति हुए बिहाइंड। दिस इज़ द पर्सन बिहाइंड, किसके पीछे हैं, इसके पीछे। तो ये हो गया फिज़िकल आस्पेक्ट। जब हम फिज़िकल आस्पेक्ट की बात करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमारे पीछे होती है तो उसके लिए हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मतलब वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था। दूसरा एग्जांपल, शी टॉक्स बिहाइंड हिम। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके पीठ पीछे बात करती है। अब ये हो गया इसका सिचुएशनल यूज़ या फिर कह सकते हैं कंडीशनल यूज़। बुराई इसकी हो रही है, कर कौन रहा है, ये कर रही है, इसकी पीठ पीछे बुराई, मतलब जब इस व्यक्ति की बुराई हो रही है शी के द्वारा, तो ये वहाँ पर मिसिंग है, ये वहाँ पर है नहीं। तो ये हो गया इसका सिचुएशनल यूज़। तो जब हम पीछे की बात करते हैं तो पीछे हम दो सेंस में बात करते हैं, एक तो बिहाइंड फिज़िकल फॉर्म में और एक दूसरा कंडीशनल या फिर सिचुएशनल फॉर्म में। जैसे कई बार बोलते हैं कि मेरा घर मंदिर के पीछे है, तो माय होम इज़ बिहाइंड द टेम्पल। दूसरा, मेरे घर के पीछे एक खंबा है, तो देयर इज अ पिलर बिहाइंड माय होम। तो ये दोनों एग्जांपल हैं, एक फिज़िकल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ अगर एक एस्टैब्लिश फॉर्म में एक जगह पर स्थित है और उसके पीछे अगर कोई दूसरी चीज़ है तो उसके होने के लिए हम बोलते हैं एट द बैक, इसका मतलब होता है पीछे, तो पीछे के लिए हम बोलते हैं बिहाइंड। नेक्स्ट प्रपोजिशन है बाय। बाय का वैसे तो हम हिंदी मतलब द्वारा या फिर के द्वारा, इस सेंस में हम इसको समझते हैं, लेकिन अभी हम इसके रूल्स के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें के द्वारा का सेंस आता है तो वहाँ पर हम बाय की ही बात करते हैं। जैसे नंबर वन रूल की हम बात करें पैसिव वॉइस में बाय का जो सेंस होता है वो होता है के द्वारा। मम्मी के द्वारा खाना बनाया जाता है, तो फूड इज कुक्ड बाय मदर। अब यहाँ पर बाय का सेंस निकल रहा है के द्वारा, खाना किसके द्वारा बनता है, मम्मी के द्वारा, ठीक है ना। तो बाय का मतलब यहाँ पर के द्वारा से निकल रहा है। इसके कुछ और यूज़ देखते हैं। बाय का यूज़ हम टाइम के सेंस में भी करते हैं। बाय इज़ यूज्ड फॉर द टाइम एज वेल, एक समय से पहले, इसको हम बोल सकते हैं बिफोर द टाइम।
राइट। एक एग्जांपल लिया हमने, मैं मंडे को आऊंगा तो आई विल कम ऑन मंडे, मतलब मंडे वो डे है जिस दिन ही मैं आऊंगा, ठीक है ना। ये मतलब फिक्स हो गया, ये डे आपका इस दिन ही मैं आऊंगा, इससे पहले नहीं आऊंगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑन की जगह पर बाय का यूज़ कर लेते हैं, आई विल कम बाय मंडे, अब इसका मतलब क्या हो गया कि मैं संडे को भी आ सकता हूँ, इससे पहले मैं संडे को भी आ सकता हूँ, मैं सैटरडे को भी आ सकता हूँ। तो अगर फिक्स है आपका दिन कि मंडे को कोई काम होगा तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे, मतलब एक फिक्स हो गया, फिक्स डे है वो, उसी दिन कोई काम होगा। लेकिन अगर उससे पहले भी काम हो सकता है तो उसके लिए हम बाय का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आपके दोस्त ने आपसे पैसे लिए तो आप उससे पूछते हो कि भाई कब लौटाओगे पैसे, तो उसने बोला कि मैं संडे तक लौटा दूंगा। संडे तक लौटा दूंगा मतलब क्या, तो यहाँ पर पहले तो हम बाय का यूज़ करेंगे। बाय का यूज़ हम क्यों करेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि संडे तक लौटा दूंगा, मतलब अगर सैटरडे को उसके पास में पैसे हो गए तो वो सैटरडे को भी लौटा सकता है, अगर उसके पास में फ्राइडे को हो गए तो वो फ्राइडे को भी आपको दे सकता है। मतलब संडे लास्ट डे है, संडे से मंडे एक्सटेंड नहीं होगा, मतलब ये एक दिन हो गया, उस दिन से पहले पहले भी कोई काम हो सकता है, इसीलिए हम बाय का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उसने ये बोला आपसे पैसे लेते टाइम पर कि मैं आपको संडे को ही लौटाऊंगा, अब जब पैसे संडे को ही मिलेंगे, एक दिन फिक्स हो गया, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले भी कोई काम हो सकता है, मतलब जो तय समय है हमारा, जो एक डिसाइडेड दिन होता है, उसके पहले अगर कोई काम हो जाए तो उसके लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल हम देख सकते हैं, आई विल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को ही आऊँगा, ठीक है ना, उसके पहले नहीं आऊँगा, मैं मंडे को ही आऊँगा। लेकिन आई विल कम बाय मंडे, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं सैटरडे को भी आ सकता हूँ, मैं फ्राइडे को भी आ सकता हूँ, मैं संडे को भी आ सकता हूँ। तो बाय का मतलब होता है समय से पहले कोई काम हो जाएगा। 9 से 12 का एग्ज़ाम था तो आपका एग्ज़ाम 11:50 पर फिनिश हो गया, मतलब आप 10 मिनट पहले फ्री हो गए, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा एग्ज़ाम लगभग 12 बजे तक हो गया था, तो आई कंप्लीटेड एग्ज़ाम बाय 12:00। तो ऐसे हम जब समय की बात करते हैं तो समय से पहले अगर कोई काम हो जाता है तो वहाँ पर भी हम बाय का यूज़ करते हैं। इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, जब हम वॉच से समय किसी को बताते हैं, जैसे किसी ने अगर आपसे समय पूछा कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो आपने घड़ी देखी अपनी और आप घड़ी देखकर उसे ये बताते हो कि मेरी घड़ी में 11 बजे हैं, तो इट इज़ 11:00 बाय माई वॉच। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी घड़ी में 12 बजे हैं या फिर मेरी घड़ी 12 बजा रही है। तो बाय का यूज़ हम टाइम के लिए भी करते हैं। पहला हमने देखा कि समय से पहले अगर कोई चीज़ हो जाती है या फिर हो सकती है तो उसके लिए हम टाइम का यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर आप घड़ी में समय देखकर बताते हो कि मेरी घड़ी में इतना समय हुआ है, मेरी घड़ी इतने बजा रही है, तो उसके लिए भी हम बाय का यूज़ करेंगे। तीसरे रूल की बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कोई भी साधन जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हो, तो उसके लिए भी हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, आने जाने की बात करते हैं, तो हम वहाँ पर बाय का यूज़ करेंगे। रिमेंबर कि हमने ऑन से डिस्कशन किया था, जब हम साइकिल या फिर पैदल आने की बात करते हैं, तो जब हम साइकिल से आते हैं या फिर हम पैदल आते हैं तो हम ऑन से बात करते हैं, और बाकी सारी बातें हमें बाय से करनी है। जैसे मैं कार से स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल बाय कार, राइट। सर बस से आते हैं तो सर कम्स बाय बस। मैं दिल्ली ट्रेन से जाता हूँ
तो आए गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम किसी भी साधन का अगर यूज़ करते हैं, बाइसिकल को या फिर पैदल वाले मीडियम को छोड़कर, तो बाकी सबके लिए हम बाइक का यूज़ करेंगे। बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, ट्रक, ट्रैक्टर, जो भी है, सभी के साथ में हम बाइक का यूज़ करेंगे। फोर्थ वाले रूल को देखते हैं। फोर्थ वाला रूल, जब हम ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, मतलब टाइम है, इस पॉइंट ऑफ टाइम के दौरान, मतलब इस समय के बीच में हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हम लगाते हैं ड्यूरिंग। तो हम यहाँ पर ड्यूरिंग लगाते हैं, वहाँ पर हम बाय का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं रात के दौरान ट्रैवल करता हूँ, तो आई ट्रैवल ड्यूरिंग द नाइट। वहीं अगर हम चाहें तो ड्यूरिंग की जगह पर हम बाय का भी यूज़ कर सकते हैं, आई ट्रैवल बाय द नाइट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सूरज दिन के दौरान चमकता है, मतलब जो सूरज है वो दिन में चमकता है, सन शाइन्स ड्यूरिंग डे। तो ड्यूरिंग की जगह पर यहाँ पर बाय का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर हम ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं, के दौरान, मतलब एक समय से दूसरे समय के बीच में या फिर दौरान किसी भी काम को किया जाता है, तो वहाँ पर जहाँ हम ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं वहाँ पर हम बाय का भी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ रूल है बाय का, जब हम किसी कॉर्नर की बात करते हैं, दैट मीन्स किनारा, ठीक है, या फिर पास। पहले हम पास की बात करें कि एक बच्चा आया और मेरे पास बैठ गया, तो आ चाइल्ड केम एंड सेट, पास्ट का है टेंस इसीलिए सेट का सेट हो जाएगा, बाय मी। दूसरा एग्जांपल देखें, किनारा, ये वर्ड का यूज़ हम काफ़ी बार करते हैं, जैसे कि कोई प्लेस है या फिर कोई रेजिडेंशियल एरिया है जो कि किसी नदी के किनारे पर या फिर किसी कैनाल, नहर के किनारे पर बसा हुआ है, तो उसके लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे एक गांव है, विलेज इज बाय द रिवर, कि जो गांव है वो नदी के किनारे पर है, मतलब नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और इसके पहले जो हमने बात की थी, बिसाइड, हम यहाँ पर बिसाइड का यूज़ करते हैं कि पास में, तो वहाँ पर हम बाय का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें बाय की जगह पर यहाँ पर बिसाइड भी लगा सकते हैं, तो बिसाइड और बाय का यूज़ हम एक दूसरे की जगह कर सकते हैं। सिक्स रूल की बात करें तो जब हम रेट बताते हैं, वेट बताते हैं या फिर हम मेजरमेंट बताते हैं, मेजरमेंट राइट, किसी भी चीज़ का नाप के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इन वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम बाय प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। मेरे यहाँ एप्पल किलो के हिसाब से मिलते हैं, किलो के भाव मिलते हैं, तो एप्पल्स आर सोल्ड बाय किलोस। जब हम कोई एक्सपेंसिव मेटल खरीदते हैं लाइक सोना, चांदी, प्लेटिनम, तो ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और कॉस्टली होने की वजह से हम इनको बहुत ही कम क्वांटिटी में ख़रीदते हैं, मतलब ग्राम में हम इसको ख़रीदते हैं, तो आई बाय गोल्ड बाय ग्राम्स। मैं सोने को कुछ ग्राम में ख़रीदता हूँ, इट इज़ नॉट किलो, किलो में नहीं ख़रीद सकते, बहुत महंगे होने की वजह से इसीलिए ग्राम में ख़रीदते हैं उसको, तो आई बाय गोल्ड बाय ग्राम्स। तो ऐसे जब हम रेट, वेट या फिर मेजरमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं। जब हम
रास्ते की बात करते हैं, रास्ता, जब हम किसी रास्ते से ट्रैवल करते हैं, रास्ते की बात करेंगे, तो वहाँ पर कुछ फ्रेजेज ऐसे हैं जहाँ पर हम उनके साथ में बाय का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एरोप्लेन से आया, तो आई केम, यहाँ पर बाय एरोप्लेन तो हम लगा सकते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बाय एयर, हम यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी भी बात हम पहले कर चुके हैं। बाय एरोप्लेन भी अगर हम लगाएंगे तो वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर हम एक रास्ते की बात कर रहे हैं, राइट। तो कैसे आया मैं? एयर के रास्ते से आया, तो आई केम बाय एयर, मतलब मैं एरोप्लेन से आया। दूसरा, आई केम बाय सी, समुद्र के रास्ते से आया। आई केम बाय रोड, आई केम बाय रेल, इस तरीके से हम बाय का यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी रास्ते से ट्रैवल करने की बात करते हैं। तो एट रूल की बात करें, जाति बताने में बाय का यूज़ किया जाता है। कि वो जाति से पंडित है, तो ही इस पंडित बाय कास्ट, ही इज पंडित बाय कास्ट। मैंने बोला कि वो जाति से बनिया है, तो शी इज बनिया, या फिर शी इज गोयल बाय कास्ट। तो जब हम जाति बताते हैं तब भी हम बाय का यूज करते हैं। तो ये थे कुछ बाय के रूल्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन की। 14th, ऑफ। हमें दो प्रकार के ऑफ देखने को मिलते हैं, एक तो ओ डबल एफ वाला ऑफ और एक ओ एफ वाला ऑफ, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हम इस वाले ऑफ की बात करते हैं व्हेन समथिंग विच इज नॉट एक्टिव, समथिंग इज नॉट एक्टिव। जब कोई भी चीज एक्टिव मोड में नहीं होती तो वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं, जैसे कि स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। जब पंखा चल रहा होता है तो पंखा ऑन होता है, तो जब वो कोई चीज़ एक्टिव मोड में होती है उसको डीएक्टिव कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, या फिर उसको इनएक्टिव हम कर देते हैं, तो वहाँ पर इनएक्टिविटी या फिर डीएक्टिवेशन को शो कराने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। अब कई बार हम बोलते हैं संडे इज़ अ ऑफ डे, संडे इज़ अ ऑफ डे, ऑफ डे मतलब इस दिन कोई काम नहीं होता, कोई ऑफिस नहीं खुलता, ऑफिशियली हॉलीडे रहता है संडे को, इसलिए हम बोलते हैं संडे इज़ अ ऑफ डे। सैटरडे संडे वीकेंड होता है, किसी जगह मेट्रो सिटीज़ में वीकेंड होता है, तो सैटरडे संडेज आर ऑफ डेज, तो हम डेज़ के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। अगर कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी हम बोलते हैं, जैसे कि ही इज़ ऑफ, एक वर्ड होता है ना नो मोर, तो नो मोर की जगह पर हम ये भी बोल सकते हैं ही इज़ ऑफ नाउ, इसका मतलब अब वो नहीं है, अब वो नहीं है, अब वो नहीं रहे, तो ही इज़ नो मोर नाउ, तो उसकी जगह पर हम ही इज़ ऑफ नाउ, तो ऐसे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफ़ का यूज़ होता है जब कोई भी चीज़ एक्टिव मोड में नहीं होती, डीएक्टिवेट होती है, तो उसके लिए हम ऑफ़ का यूज़ करते हैं। हमने स्विच ऑफ वाला एग्जांपल देखा, ऑफ़ डेज़ की बात की कि बाकी के सारे हमारे एक्टिव डेज होते हैं वीक में, लेकिन संडे को कोई काम नहीं करते, छुट्टी का दिन होता है, तो वो ऑफ डे हो गया। ही इज़ ऑफ, अब वो इंसान जिंदा नहीं है, तो मतलब वो एक्टिव नहीं है, एक्टिवली वो अलाइव नहीं है, इसीलिए हम वहाँ पर ऑफ़ का यूज़ करते हैं। तो हम बात करते ओरिजिनली अपने प्रपोजिशन दैट इज़ ऑफ। इस ऑफ का मतलब जो हम समझते हैं का से रिलेटेड इसका सेंस निकलता है, जैसे कि का या फिर की या फिर के। जैसे हम बोलते हैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल, मैं स्कूल का स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पर हमें ऑफ का सेंस दे रहा है। शी इज अ टीचर ऑफ कॉलेज, वो कॉलेज की टीचर है। तो ऐसे जब हम का सेंस निकालते हैं तो यहाँ हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब का की के सेंस में हम हर बार ऐसा नहीं समझ सकते। ऑफ का सेंस भले ही का की के से ज़रूर निकलेगा, लेकिन वो कहीं कहीं काम करेगा, हर जगह काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बार जहाँ पर का सेंस निकलता है वहाँ पर हम ऑफ का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम किसी और दूसरे प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी,
ये काफ़ी बार सुनने में आता है ये फ्रेज, ये मुझको दे दो, तो यहाँ पर कहीं ऑफ का यूज़ नहीं है। ये पेन मुझे दे दो, तो गिव पेन टू मी, मैं ये पेन आपको दे रहा हूँ, आई एम गिविंग दिस पेन टू यू, तो मैं ये पेन आपको दे रहा हूँ, तो टू का यूज़ हो रहा है ना कि ऑफ का। तो कभी कभार तो ये ऑफ का जो सेंस है वो का निकलता है, लेकिन हर बार ऐसा होगा ये गारंटी नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें इसके रूल को पढ़ना कि ऑफ का यूज़ हम करते कहाँ कहाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर वन रूल की। किसी बीमारी से मरने में, बीमारी से मरने में ऑफ का यूज़ होता है। बीमारी से जब कोई गुजरता है या फिर उसे कोई बीमारी है तो उसके लिए हम सफ़र लगाते हैं। सफ़र मतलब वो अभी ज़िंदा है, तो उस बीमारी के दौर से जब वो गुजर रहा है तो सफ़र फ्रॉम, इसका हम यूज़ करते हैं। लेकिन डाई के साथ में हम ऑफ़ का यूज़ करते हैं, जैसे ही वॉज सफरिंग, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और वो कैंसर से मर गया, तो ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ। अब यहाँ पर देखिएगा, वो कैंसर से मर गया, तो यहाँ पर ऑफ का सेंस क्या हो गया, इट इज़ नॉट का। यहाँ ऑफ का मतलब का नहीं है, यहाँ पर ऑफ का जो सेंस निकाल रहे हैं हम वो से निकाल रहे हैं, जबकि से के लिए तो फ्रॉम आता है, आई एम कमिंग फ्रॉम माई होम, मैं अपने घर से आ रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑफ का जो सेंस निकल रहा है वो से निकल रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने ऊपर बात की थी कि कभी कभी तो ऑफ का सेंस का से निकलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये का सेंस ही आपको दे। यहाँ देखिए डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया, तो यहाँ पर ऑफ का जो सेंस है वो सा से निकल रहा है ना कि का से। तो पहला रूल हमें याद रखना है कि जब कोई बीमारी से मर जाता है तो उसके लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। किसी बीमारी से अगर कोई सफ़र करता है या फिर गुजरता है तो सफ़र के साथ में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, लेकिन कोई मर जाता है उस बीमारी से तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, उसकी मृत्यु हुई हार्ट अटैक से, तो ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। तो मरने के सेंस में हम यूज़ करते हैं, बीमारी से मरने में, तो वहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करते हैं नंबर वन। नंबर टू की बात करें तो डेट में ऑफ का यूज़ होता है, जैसे 26th of Jan, 26th of Jan, 22nd of November। तो जब हम डेट बताते हैं तब वहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करते हैं। मैं अपना बर्थडे 1 जनवरी को मनाता हूँ, तो आई सेलिब्रेट बर्थडे, सेलिब्रेट बर्थडे ऑन 1st of Jan, तो ऐसे हम इसको रख सकते हैं। तो डेट बताने के लिए ऑफ का यूज़ होगा। तीसरा रूल देखिए, ऑफ का यूज़ मैं से, अगर ऐसा कोई सेंस होता है तो वहाँ पर भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे राहुल मेरे सभी दोस्तों में मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो राहुल इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, उन सभी दोस्तों में से राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, राहुल इज़ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अक्षय कुमार, अक्षय इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, बहुत सारे मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से मेरा सबसे फेवरेट, या फिर बोल सकते हैं कि उनमें से अक्षय कुमार मेरा फेवरेट एक्टर है। फोर्थ रूल पर आते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे फॉन्ड, स्केर्ड, अफ्रेड, अफ्रेड, इन सभी के साथ में ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, मैं किसी चीज़ का शौकीन हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं म्यूज़िक का शौकीन हूँ, तो आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक,
फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ऑफ के बाद में अगर कोई वर्ब आता है वो आईएनजी के साथ में आ जाता है, जैसे हमने जेरंड में देखा था, मैं म्यूजिक सुनने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ तो आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। सिंगल नाउन की बात कर रहे हैं हम, लेकिन मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसे हम बात करते हैं फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना किसी चीज़ का। दूसरा है स्केयर्ड ऑफ का मतलब होता है, स्केयर्ड ऑफ और अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना। जैसे मैंने बोला कि मुझे हाइट से डर लगता है, तो आई एम स्केयर्ड ऑफ हाइट। यहाँ पर स्केयर्ड ऑफ की जगह पर हम चाहें तो आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट। तो किसी भी चीज़ से डर लगने के लिए हम स्केयर्ड ऑफ या फिर अफ्रेड ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे उसे पानी से डर लगता है, तो शी इज़ अफ्रेड ऑफ वाटर, या फिर शी इज़ स्केयर्ड ऑफ वाटर। फिफ्थ रूल पर आते हैं, कुछ वर्ड्स जैसे कि केयर, प्राउड, केयर हुआ, प्राउड हुआ, इनके साथ में भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। केयर का मतलब जब हम केयर को एक वर्ब बनाकर बात करते हैं, या फिर हम सिंपली केयर को यूज़ करेंगे तब भी हम इसके साथ में ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे अपना ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ यू। इसको पूरे सेंटेंस में लिखते हैं, मैं अपने होमवर्क का ख्याल रखता हूँ या फिर मैं अपनी पढ़ाई का ख्याल रखता हूँ, तो आई टेक केयर ऑफ माई स्टडी। दूसरा बात करें प्राउड ऑफ का मतलब होता है गर्व होना किसी चीज़ के ऊपर। जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू, इसका मतलब मुझे आप पर गर्व है। और यहाँ एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि जो प्राउड है, प्राउड एक नाउन है, इसको हम वर्ब की तरह से यूज़ नहीं कर सकते। कई बार हमारे देखने में आता है आई प्राउड ऑफ यू, हम अक्सर इस वर्ड को सुनते हैं आई प्राउड ऑफ यू, तो ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि जब हम प्राउड को यूज़ कर रहे हैं तो आई के बाद में हम इसे वर्ब यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये वर्ब नहीं होता, ये नाउन होता है। तो हमेशा इसका यूज़ इज एमआर या फिर वॉज वर्ब, कुल मिला के इसका यूज़ हम बी के साथ में करेंगे। आई विल बी प्राउड हो सकता है, आई एम प्राउड हो सकता है, आई वॉज प्राउड हो सकता है, लेकिन आई प्राउड नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम इसको आई प्राउड करते हैं तो हम इसको वर्ब की तरह से यूज़ करके देखते हैं। और ये जो प्राउड है, इट इज़ नॉट वर्ब, ये एक नाउन है, इसीलिए इज़ेमार या फिर वॉज वर्ब के साथ में इसको आना चाहिए। जैसे आई टीचर तो नहीं होता, आई डॉक्टर तो नहीं होता, या तो आई एम डॉक्टर होगा या फिर आई एम टीचर होगा, ठीक है ना। आई एम ऑनेस्ट होता है, आई ऑनेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ऑनेस्ट, टीचर, डॉक्टर, ये सारे नाउन हैं, तो इनका यूज़ इज़ेमार, वॉज वर्ब या फिर बी के साथ में हम कर सकते हैं, खाली इनका यूज़ नहीं होगा। तो वैसे ही जो प्राउड है, प्राउड भी एक नाउन है, तो नाउन का यूज़ हम एम के साथ में करेंगे, तो आई एम प्राउड, इस तरीके से इसका यूज़ करना है। और जो दूसरा वर्ड जो हम कई बार मिस्टेक कर जाते हैं या फिर लोगों को करते हुए देखते हैं, अग्री के साथ में हम इज एम आर का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ही इज़ अग्री, आई एम अग्री, इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। जो अग्री होता है वो एक प्योर वर्ब होता है, इसको हम एज अ नाउन कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अग्री से हम अग्रीमेंट बनाकर इसको नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अग्रीमेंट तो वर्ड ही अलग हो गया ना। तो यहाँ जो अग्री है, अग्री कोर वर्ब होता है, तो या तो आप ये करिए कि इस के बाद में अग्री में आईएनजी लगा दीजिए आप, ठीक है ना। और अग्री एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें हम आईएनजी भी नहीं लगाते, तो इसीलिए इसका यूज़ बिना इज़ एमआर और वॉज वर्ब के किया जाता है।
मैं सहमत हूँ तो आई अग्री, मैं सहमत नहीं हूँ तो आई डोंट अग्री। तो इसको कई बार हम रिवर्स कर देते हैं, जहाँ पर प्राउड के साथ में एसएमआर आना चाहिए वहाँ पर कई बार नहीं भी देखते हम लोगों को लगाते हुए, और जहाँ अग्री के साथ में एसएमआर नहीं आना चाहिए वहाँ पर बहुत बार वो एसएमआर जोड़ देते हैं अननेसेसरीली। तो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। तो केयर और प्राउड के साथ में हम ऑफ का यूज़ करेंगे। सिक्स्थ वाले रूल पर आते हैं। कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ में हम ऑफ का यूज़ करते हैं, जैसे कि फुल ऑफ, फुल ऑफ, श्योर ऑफ, श्योर ऑफ, ठीक है ना। श्योर के साथ में ऑफ का यूज़ करते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, तो आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस। अवेयर के साथ में हम ऑफ का यूज़ करते हैं, अवेयर ऑफ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। थिंक ऑफ, थिंक के साथ में हमें पेयरिंग ऑफ से करनी है, जैसे कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, आई डिड नॉट थिंक ऑफ इट। एक वर्ड होता है गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ, इसका मतलब होता है पीछा छुड़ाना या फिर किसी चीज़ से निजात पाना, गेट रिड ऑफ। तो ये कुछ सर्टेन फ्रेजेज हैं जिनमें हम ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑफ। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रपोजिशन की। 15 पर है टिल और अनटिल। टिल और अनटिल का यूज़ हम करते हैं एंडिंग टाइम के लिए, एंडिंग टाइम, ठीक है। एंडिंग टाइम इसमें भी हम पहले के सेंस में इसका यूज़ करेंगे, जैसे कि वो 3 बजे से पहले आ गया था, तो ही केम टिल 3 o'clock, या फिर इसको हम बोलें प्योरली कि वो 3 बजे तक आ गया था। 3 बजे तक आ गया था मतलब 3 बजे से पहले पहले ही आ गया था वो, ही केम टिल 3 o'clock, यहाँ तक। इसका हिंदी सेंस हम ये निकाल के देख सकते हैं। अब जहाँ पर हम टिल का यूज़ करते हैं वहाँ पर हम अनटिल का भी यूज़ कर सकते हैं, अनटिल, राइट। जैसे मैं ऑफिस में 8 बजे तक रुकता हूँ, आई स्टे इन ऑफिस टिल या फिर अनटिल 8 o'clock, ऐसे हम टिल या फिर अनटिल का यूज़ करते हैं। अनटिल और टिल का मतलब होता है एंडिंग टाइम और पहले। जैसे मैं 9 बजे तक आ जाऊँगा तो आई विल कम टिल 9 o'clock, मैं 7 बजे तक पहुँचा तो आई रीच टिल 7 o'clock, या फिर आई रीच्ड अनटिल 7 o'clock। 16 पर है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। इसका यूज़ हम करते हैं के सामने, किसी ऑब्जेक्ट के सामने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि ये नॉन लिविंग के सेंस में यूज़ होगा, नॉन लिविंग, राइट। जब हम किसी नॉन लिविंग चीज़ के सामने होते हैं तो हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वो शीशे के सामने खड़ा है तो ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। साथ में ही लिखना है इसको, दैट इज इन फ्रंट। तो ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसका मतलब क्या है कि वो शीशे के सामने खड़ा है। तो ये शीशा है और ये शीशे के सामने अगर खड़ा हुआ है तो शीशा क्या हो गया, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया, और ये एक लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक लिविंग ऑब्जेक्ट जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के सामने खड़ा होता है या फिर दोनों नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ का ही यूज़ करते हैं, मतलब नॉन लिविंग आइडेंटिटीज़ के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे। वहीं अगर दो व्यक्ति हैं तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति के सामने खड़ा हुआ है तो ये दोनों लिविंग बीइंग हैं, तो इन फ्रंट ऑफ की जगह पर यहाँ हम बिफोर का यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखना है हमें, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स के सामने होते हैं तो उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी लिविंग बीइंग के सामने होते हैं तो वहाँ पर हम बिफोर का यूज़ करते हैं। दूसरे एग्जांपल को देखिए इसको, वो उसके पापा के सामने खड़ा नहीं हो सकता तो ही कैनॉट स्टैंड बिफोर हिज फादर, राइट।
दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे मेरा घर मंदिर के सामने है, तो माय होम इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल. मेरा घर मंदिर के सामने है, तो माय होम इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल. जैसे वो टीवी के सामने बैठा हुआ है, तो ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी. ठीक है, तो ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी, मतलब क्या हुआ कि वो टीवी के सामने बैठा हुआ है. टीवी एक नॉन लिविंग आइडेंटिटी है, तो इसीलिए हमने इन फ्रंट ऑफ का यूज़ किया. अगर हम ये कर दें कि वो मेरे सामने बैठा हुआ है, तो ही इज सिटिंग, यहाँ हमने टीवी की जगह पर मी लगा दिया, मेरे सामने बैठा हुआ है, तो वहाँ पर हम इन फ्रंट ऑफ की जगह पर बिफोर का यूज़ कर लेंगे. ही इज सिटिंग बिफोर मी, और वो टीवी के सामने बैठा हुआ है, तो ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी. ये डिफरेंस है इन फ्रंट ऑफ और बिफोर के बीच में. जब लिविंग बींग के सामने होते हैं तो बिफोर, और जब नॉन लिविंग के सामने होते हैं तो इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करना होता है.